अनूपपुर विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों से पात्र हितग्राहियों को जोड़ने तथा जरूरतमंद लोगों का जीवन बेहतर हो। विकास यात्रा के संबंध में आयोजित की गई पत्रकार वार्ता, इस मंशा से शासन की कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार तथा विकास कार्यों, सुशासन व मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान से वंचित या छूटे हुए लोगों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से विकास यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। उक्ताशय के विचार कलेक्टर श्री आशीष वशिष्ठ ने कलेक्टरेट कार्यालय के नर्मदा सभागार में विकास यात्रा के संबंध में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कही। पत्रकार वार्ता में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अभय सिंह उहरिया, अपर कलेक्टर श्रीमती अंजलि द्विवेदी, पीआरओ श्री अमित श्रीवास्तव सहित इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के पत्रकार उपस्थित रहे। इस अवसर पर पत्रकारों ने नवागत कलेक्टर श्री आशीष वशिष्ठ का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। पत्रकार वार्ता में कलेक्टर श्री आशीष वशिष्ठ ने विकास यात्रा के दौरान आयोजित की जाने वाली गतिविधि तथा विकास यात्रा के माध्यम से जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार, हितलाभ वितरण, पैसा एक्ट की जनजागरूकता तथा विभिन्न विभागों द्वारा किए जाने वाले कार्यों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विकास यात्रा के दौरान लोक कल्याणकारी विकास कार्यों का शिलान्यास व लोकार्पण भी किया जाएगा, साथ ही विभिन्न शासकीय संस्थानों का निरीक्षण भी जनप्रतिनिधियों और नागरिकों को कराया जाएगा। निरीक्षण में पाई गई कमियों को दूर करने के प्रयास भी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि विकास यात्रा के दौरान प्राप्त सुझावों तथा जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन तथा मांग संबंधी ज्ञापन भी नागरिकों से स्वीकार किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि समन्वित प्रयास से ही प्रगति, विकास और जन कल्याण के परिणाम आएंगे। उन्होंने कहा कि मीडिया के माध्यम से मैदानी क्षेत्रों की सकारात्मक और नकारात्मक खबरें प्राप्त होती हैं, जिसे संज्ञान में लेकर व्यवस्था के सुधार के प्रयास भी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि विकास यात्रा के माध्यम से 100% क्षेत्र को कवर करने का प्रयास होगा। इस दौरान हितलाभ से लाभान्वित लोगों से संवाद किया जाएगा तथा उनके विचार भी लोगों से साझा कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आयुष्मान कार्ड, जाति प्रमाण पत्र आदि के लाभ देने के भी प्रयास होंगे। जन समस्याओं के निराकरण के लिए शिविर आयोजित कर सकारात्मक निराकरण के कार्य किए जाएंगे। उन्होंने पत्रकारों से विकास यात्रा के दौरान जन जागरूकता किए जाने तथा इस संबंध में आवश्यक सुझाव भी देने की अपील की। पत्रकार वार्ता में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अभय सिंह उहरिया ने विकास यात्रा के लिए तय किए गए रूटाचार्ट की जानकारी दी। उन्होंने आयुष्मान कार्ड बनाए जाने के कार्यक्रम के संबंध में भी जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि 100% पात्रताधारी हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाने के लक्ष्य के अनुरूप कार्य किया जा रहा है। अनूपपुर से लतीफ अहमद सिद्दीकी की रिपोर्ट। तो हमारा 5 से स्टार्ट करने की डेडलाइन थी, लेकिन हमारी समाप्त करने की डेडलाइन जो है 25 है, उसको हम बढ़ा सकते हैं। ये अपने फ्रीडम उसमें है, अपने कवरेज के ऊपर डिपेंड करेगा। तो आप लोगों से अनुरोध है कि उसमें वो है, और जो भी निरीक्षण हमारे हो रहे हैं, अधिक से अधिक जो कमियां हैं हमें बताएं। अब जरूरी नहीं है कि कमियां बता रहे हैं तो पूरी उसी समय हो रही है, लेकिन जो विभाग के डायरेक्शन के हिसाब से हम लोगों को इस विकास यात्रा के दौरान एक राजस्व का अभियान भी निरंतर चलाने की आवश्यकता है, जिसमें हम अविवादित नामांकन, बंटवारा, फौजी नामांकन, अव्यस्त से व्यस्त जब हो जाते हैं, और आपका जो लेख जो त्रुटि सुधार के जो एप्लीकेशन होती है, ये 4-5 बिंदुओं पे भी हम लोगों को निरंतर विकास यात्रा के दौरान काम करना है। और जो एक ट्राइबल डिपार्टमेंट का जो डायरेक्शन है उसके हिसाब से हमें जाति प्रमाण पत्र पर भी काम करने की आवश्यकता है। उसके लिए अभी हम लोगों ने प्लान किया है कि हम सारे स्कूल, सारे छात्रावास, उन सबके साथ एक मीटिंग करेंगे, एक उनका तारीख फिक्स करेंगे। हमें पता लग जाए कि उस स्कूल, उस छात्रावास में कितने ऐसे बच्चे हैं जिससे जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पाए, वो हम अगले 2-3 दिनों में आइडेंटिफाई कर देंगे। उसके बाद हर स्कूल, हर छात्रावास का एक पर्टिकुलर तारीख और पर्टिकुलर समय फिक्स कर देंगे, जहाँ हमारी टीम वहाँ पर जाएगी, कितना क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन जाति प्रमाण पत्र के लिए चाहिए उसको पहले से बता देंगे। तो हमारी टीम जब जाएगी तो स्कूल को छात्रावास पहले से उसकी प्लानिंग करके रहेगा, और हम जाके एक मैसिव अभियान चला के 20-25 दिनों में जाति प्रमाण पत्र का भी अभियान हम लोग चलाएंगे शासन के निर्देश के अनुसार। वो भी एक हमारा काफ़ी बड़ा एक बैकलॉग है जिसको हम लोग कवर इस अभियान के दौरान करेंगे। जागरूक करना है उसके लिए डेफिनेटली पहले भी काम यहाँ पर हुआ है, सभी ग्राम पंचायतों के अंदर अभियान चला है, तो फिर से हम लोगों को निरंतर करने की आवश्यकता है। उसके लिए सभी जो मेरी जानकारी में आया है कि पैसा मोबिलाइजर्स की नियुक्ति हम लोगों ने की हुई है, एक बार फिर से पैसा मोबिलाइजर्स को हमको बुलाना पड़ेगा, उनको ट्रेनिंग करानी पड़ेगी। इलेक्शन में हमारे जो मास्टर ट्रेनर्स होते हैं उनको भी शायद यहाँ पे ट्रेन किया गया है, तो उनके साथ भी एक बार बैठना पड़ेगा। फिर अगेन ग्राम पंचायत स्तर के ऊपर लोगों को एक्ट के बारे में जागरूकता हम लोगों को करानी पड़ेगी, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, नई चीज़ है, लोगों को बताना उसमें आवश्यक है।
कोशिश हम लोग ये करेंगे कि हम लोग ग्राम पंचायत स्तर पे तो जाएंगे ही, पर जितना इंटीरियर एरिया में हम लोग जा सकते हैं, जहाँ से लोग हमारे पास नहीं आ सकते हैं, वहाँ पर हम लोग जाएंगे, वो हमारी प्राथमिकता रहेगी। तो अगले 2-3 दिनों में हम लोग कैंप भी शुरू करेंगे। कैंप हम लोग उन्हीं, जैसे मैंने बताया, कैंप मोबाइल कैंप हम लोग बनाएंगे। कोई ऐसा कैंप नहीं होगा कि एक पर्टिकुलर जगह पे हम लोग बैठ गए, क्योंकि हम बैठते हैं तो हमारे पास 30-40-50 से ज़्यादा लोग नहीं आ पाते हैं। वही लोग बार बार अपना एप्लीकेशन लेके आते हैं, बहुत से एरियाज में लोग आते नहीं हैं, तो डेफिनेटली हमको वहाँ जाना पड़ेगा, तभी हम उसके एप्लीकेशन, उसका समस्या का निराकरण कर पाएंगे। तो आज हम लोग एक डिज़ाइन कर रहे हैं, आज या कल में 2 दिन में मिलकर हम लोग ऐसा एक रूट बना लेंगे कि हमारा टीम जो है किसी पर्टिकुलर जगह पे 1-1.5 घंटे बैठा, सभी लोगों से कांटेक्ट किया, देख लिया कि वहाँ पे सैचुरेट हो गए, फिर हमारी टीम 2-3 घंटे के बाद किसी दूसरे लोकेशन पे, अगली लोकेशन पे चली गई। इस तरह से एक कैंप का भी हम लोग प्लान कर रहे हैं। अदरवाइज स्टैटिक कैंप करने में थोड़ा सा लोग कहीं ना कहीं छूट जाते हैं, तो इसलिए मोबाइल कैंप का भी हम लोग इस अभियान के द्वारा प्लान कर रहे हैं। जितनी भी हितग्राही लाभान्वित योजनाएं हैं उनको इसमें सम्मिलित किया गया है, और पहले जनसेवा अभियान के अंतर्गत लाभ दिया गया था, उसके बाद ये विकास यात्रा रथ जो साथ में चल रहा है, इसका रूट चार्ट बना हुआ है कि किस गली से, किस मोहल्ले से निकलेगी, और वहाँ पे जो हितग्राही हैं अगर लाभ नहीं मिला है तो उसका आवेदन भी दे सकेंगे, और उसका निरंतर हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आवेदन का निराकरण किया जाता है, और आवेदन जैसे भी आएंगे हितग्राहियों को लाभ देना है। जैसे सर कि शहरी क्षेत्र में तो किस तरह शिविर लगा किया जा रहा है, लेकिन ग्रामीण अंचल की अगर बात करते हैं तो वहाँ पे ये योजना लोग नहीं पहुँच पा रही, जो शासन की मूलभूत योजना उससे वंचित हैं। नहीं नहीं नहीं, जैसा मैंने पहले बताया है, जनसेवा में हमने काम किया है, इसके बाद ये यात्रा न केवल नागरिक नगर पालिका क्षेत्र में, इसके अलावा ग्रामीण अंचलों में भी, हर जनपद पंचायत में जाएगी, ग्राम पंचायत में जाएगी, हर एक गांव में इसकी भ्रमण होगी, और उनको वहां पे रुकना है, और ये यात्रा लगभग 25 किलोमीटर की दूरी हर दिन तय करेगी। ये 25 तारीख तक इस योजना का रथ यात्रा जो चलेगी 25 तारीख तक किया गया है, लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि इस निर्धारित दिनांक तक सभी को लाभ मिल जाए और ज़्यादा से ज़्यादा हितग्राही इसमें लाभ। इस विकास सत्र में कौन कौन सी योजनाओं को शामिल किया गया? योजनाएं कोई ऐसा निर्धारित नहीं है, सभी विभाग की जो भी योजनाएं हैं जिससे व्यक्ति लाभान्वित होता है, जिसको लाभ नहीं मिला है वो इसमें आवेदन कर सकता है, और ये एक प्रकार से प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि कौन कौन सी योजनाएं चल रही है जिसमें लोग लाभ ले सकते हैं।